और आइए अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन आज करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या आ रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ और वहां यानी कि देहरादून से रवानगी के दौरान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब किसी भी वक्त पहुंचने की तस्वीरें भी आ सकती हैं क्योंकि 10 बजे का समय था पहुंचने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट का। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। धामी कैबिनेट उत्तराखंड की ओर से रामलला को ब्रह्म कमल की माला और भोजन पत्र भेंट करने वाली है। रामलला के दर्शन के बाद सीएम धामी मंत्रियों के साथ आज शाम को ही देहरादून के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो आज का दिन तय किया गया था रामलला के दर्शन करने का उत्तराखंड सरकार की तरफ से। आज बहुत ही पावन दिवस है और हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट को ले जा रहे हैं और भगवान राम के चरणों में हम लोग अपनी श्रद्धा अर्पण करेंगे। विशेषकर लक्ष्मी वन का जो भोजपत्र है उसकी माला और ब्रह्म कमल के फूल लेके हम जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाएंगे। ये उत्तराखंड की तरफ से हमारी सप्रेम भेंट होगी। देखिए, हम सबका बड़ा आज सौभाग्य का दिन है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने का एक सुनहरा अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मिलने जा रहा है। संपूर्ण कैबिनेट जो है प्रभु श्री राम के दर्शन करेगी और निश्चित रूप से विशेषता यही है कि जहां उनकी जन्मस्थली थी वे वहां स्थापित हो चुके हैं। उनकी बाल अवस्था का जो स्वरूप है वो मन में बसा के आएंगे और स्वाभाविक रूप से अपने इस देवभूमि के लिए हमेशा इसमें देवत्व कायम रहे, देवभूमि के प्रत्येक नागरिक के जीवन में हमेशा अच्छा रहे, उत्तराखंड विकास की ओर बढ़े, चहुमुखी विकास की ओर बढ़े, यही ईश्वर से और प्रभु श्री राम से जो है वो कामना रहेंगे। तो सबके लिए दुआएं पूरी कैबिनेट मांगेगी। मुझे लगता है कि हम सबके लिए सबसे खुशी के क्षण वो होंगे। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दोपहर के 3:30 बजे का समय है जब ये बैठक होगी और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी वैजयंत पांडा, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। आज का दिन राहुल गांधी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी अपनी हाजिरी लगाएंगे, पेश होंगे। थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश होने वाले हैं राहुल गांधी। मानहानि के मामले में वारंट जारी किया गया था और वारंट जारी होने के चलते ही सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी आज पेश होंगे। मानहानि के मामले में बीजेपी के नेता ने केस दर्ज करवाया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी और इसी मामले में ये केस दर्ज हुआ था। दोपहर बाद अमेठी से रायबरेली के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ, जैसा जानकारी मिल रही है। लेकिन आज राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज कोर्ट में क्या कुछ होता है। राहुल गांधी की 12 जोड़ों न्याय यात्रा आज अमेठी से रायबरेली भी पहुंचेगी, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी। दोपहर 2 बजे के बाद न्याय यात्रा के रायबरेली पहुंचने की संभावना जताई गई है। इस यात्रा को लेकर रायबरेली के कांग्रेसियों में काफी उत्साह है, उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव ना लड़ने पर लोग निराश जरूर हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेसी जो हैं वो प्रियंका गांधी को रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।